नमस्कार दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे T20 मुकाबले में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के दौरान मैदान में अचानक आया सांप, जिसे देखकर सभी के उड़े होश। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। भारत ने पहले मुकाबले में जीत हासिल करके सीरीज में 1-0 की बढ़त पहले ही बना ली है और दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर उतरी और दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में पारी की शुरुआत की और दोनों ही बल्लेबाज मैदान में चौकों छक्कों में डील कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान बीच मैदान में एक हैरान कर देने वाला दृश्य दिखा, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। दोस्तों, दरअसल जब रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी मैदान में ताबड़तोड़ अंदाज में रन बना रही थी, उसी वक्त बीच मैदान में काले रंग का सांप घुस आया, जिसे देखकर मैदान में हर कोई आश्चर्यचकित रह गया और फिर उस सांप को निकालने के लिए स्टाफ ने कड़ी मेहनत की और फिर उसके बाद रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी ने फिर से मैदान में ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए। लेकिन रोहित शर्मा 43 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए और फिर उसके बाद केएल राहुल ने छक्का लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, लेकिन हाफ सेंचुरी लगाते ही केएल राहुल भी आउट हो गए। अब फिलहाल विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट की ताज़ा खबरों के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।